First of all, we know about circle. It is a locus of point which move in such a way that its distance from a fixed point is always constant, known as circle. Fixed point is known as center of the circle and constant distance is known as radius of circle. सर्कल का डिफिनेशन हो गया कि सर्कल उस लोकस को बोलते हैं जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव करें। मान लीजिए कांस्टेंट डिस्टेंस आर है और इसी पे ये मूव करें, तो ये जो लोकस फॉर्म करेगा यही हमारा सर्कल होगा, समझे। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम सेंटर बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस जो होता है ये हमारा रेडियस होता है सर्कल का। और हम कोई भी एक्स वाई पॉइंट ले सकते हैं सर्कल पे, तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला से सर्कल का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए सेंटर हमारा अल्फा कॉमा बीटा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स अल्फा प्लस माइनस सॉरी माइनस टू एक्स अल्फा माइनस टू वाई बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो। ये हमारा इक्वेशन आ गया जनरल फॉर्म में। अब इसको हम सेकेंड डिग्री ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। क्या होता है इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एच वाई प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ से हमको क्या मिल गया, अगर ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए इज इक्वल टू बी होगा, मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ एच एक्स कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जो होगा जीरो। इसका मतलब एच इज इक्वल टू जीरो। इसलिए सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस टू जी एस प्लस टू एच वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ये हमारे जनरल फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। यहाँ से हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, ये अगर सर्कल का इक्वेशन है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा, इसको और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा रेडियस हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ सॉरी रेडियस नहीं सेंटर, और रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी। रेडियस भी इसी को कंपेयर करना चाहता, जैसे देखिए यहाँ सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर इसको रेडियस निकालने के लिए आर स्क्वायर इजक्ल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी, इसलिए आर इजक्ल टू रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ जी बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमें कोई इक्वेशन दिया गया है सर्कल का, कोई भी जनरल इक्वेशन, तो उसका रेडियस या सेंटर फाइंड करने से पहले हमें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल करना होगा।
coefficient of x square and coefficient of y square must be equal. ओके अब चलिए नेचर ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं. नेचर ऑफ सर्कल, सर्कल तीन तरह का हो सकता है, या तो रियल सर्कल हो सकता है, या इमेजिनरी सर्कल हो सकता है, या तो पॉइंट सर्कल हो सकता है. तो अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू के अगर है, या इसी को आर स्क्वायर बोल सकते हैं, देन अगर आर ग्रेटर देन जीरो है तो रियल सर्किल, अगर आर आर स्क्वायर लेस देन जीरो है देन इमेजिनरी सर्किल, अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो देन पॉइंट सर्किल. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कस तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल. मान लीजिए हमारा सर्कल एस है, एस इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, और कोई भी पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन. तो ये या तो सर्कल के अंदर लाई कर सकते हैं, या सर्कल पे लाई कर सकता है, या सर्कल के बाहर लाई कर सकता है. तो ये पॉइंट पुट करने से हमें जो रिजल्ट मिलेगा, मैंने इस इक्वेशन में एक्स वन वाई वन पुट करने से हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, उसे हम एस वन मान लेते हैं. देन अगर केस वन हो गया, तीन केस बनता है इसमें, या तो सर्किल से पॉइंट सर्किल के अंदर हो, या सर्कल पर हो, या सर्कल के बाहर हो. अगर एस वन ग्रेटर देन जीरो है देन पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल. अगर एस वन इज इक्वल टू जीरो देन पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, क्योंकि सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर एस वन लेस देन जीरो है देन पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल. ऑफ लाइन एंड सर्कल, एक लाइन लेते हैं वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी, और एक सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर. इसमें तीन टू केस बनता है. पहला, या तो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करे, दूसरा या तो लाइन सर्कल को टच करके निकल जाए, और तीसरा लाइन सर्कल को ना तो टच करे ना ही इंटरसेक्ट करे. तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व करने से हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ऑन सॉल्विंग इट वी गेट, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है एक्स स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो फर्स्ट केस लेते हैं, अगर लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है तो डी जो हमारा होगा ग्रेटर देन जीरो होगा. डी यहाँ पे क्या है हमारा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर एस वन प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. यहाँ से हमारा आ जाएगा फोर फोर कट जाएगा, नहीं फोर फोर कॉमन आ जाएगा, कटेगा नहीं, सॉरी
4 m square c square minus c square minus m square c square, इसको इनटू करेंगे तो प्लस r square प्लस m square r square, ये आ गया। c square प्लस r square प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से डी हमारा आ जा रहा है आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, तो दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें दो पॉइंट मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे, इसलिए डी जो होगा हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका मतलब आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, हाँ दोनों तरफ रूट लेते हैं, दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा आर रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन मोड सी, ठीक है। अगर टच करके जा रहा है मतलब एक रूट मिलेगा, मतलब डी इज इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू जीरो मतलब आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब सी इज इक्वल टू आर रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर। और थर्ड केस में क्या हो रहा है, लाइन ना तो टच कर रहा है ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों में से कुछ नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे जो होगा डी हमारा लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब आर रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर लेस देन मोड सी, ये हमारा हो गया डिस्कशन ऑफ लाइन एंड सर्कल। लाइन और सर्कल में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो पता चल गया। टेंजेंट कोड का ही स्पेशल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कोई भी कोड का जो दो पॉइंट होता है वो एडजॉइंट पॉइंट बन जाए या एक ही पॉइंट बन जाए उसी को हम टेंजेंट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं टेंजेंट कोई भी कर्व को टच करते हुए निकले या दोनों को सॉल्व करने से इक्वेशन जीरो हो, मल्टी का वैल्यू जीरो हो जाए या टच करके निकले उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट हमारे पास लाइन आया था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ से टेंजेंट के केस में हमारे पास सी का वैल्यू क्या है, वाई इजक्ल टू एम एक्स, सी का वैल्यू आ जाता है यहाँ से प्लस माइनस आर रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर, ये हमारे पास टेंजेंट आ गया। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इन फॉर्म ऑफ स्लोप, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि जनरल मेथड क्या होता है टेंजेंस का कंडीशन फाइंड करने में, मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंस। कोई भी इक्वेशन लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए, हालांकि ये पैराबोला जो हम आगे पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन में, तो इस पे टेंजेंट का कंडीशन क्या होगा। लाइन कोई भी लेते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर टेंजेंट हुआ तो दोनों को सॉल्व करने से एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो दोनों को सॉल्व करने के बाद डी जो हमारा आएगा वो जीरो होगा। अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स आएगा, यहाँ से हमारे पास आ रहा है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू एम सी माइनस फोर ए प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी जीरो होना चाहिए क्योंकि ये टेंजेंट है, इसलिए टू एम माइनस फोर ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के अनुसार डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसलिए बी स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें क्या मिल गया ए इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए, ये हमारा क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसे टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं वाई इजक्ल टू एम एक्स प्लस
सी के जगह क्या ले सकते हैं, ए अपॉन एम। ये पैराबोला चैप्टर में पढ़ेंगे, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है पैराबोला का। ये भी स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ टेंजेंट। तो पहला इसमें हो गया पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म टेंजेंट। इसमें एक सर्किल है, मान लीजिए किसी एक्स वन वाई वन पे टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है, तो पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, और सर्किल स्टैंडर्ड सर्किल अगर है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये जनरल सर्कल है मतलब एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एस प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, तब क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। दूसरा आता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट भी पॉइंट फॉर्म की तरह है। यहाँ पे हम किसी पॉइंट के बजाय पैरामीटर यूज करते हैं। पैरामीटर पहले भी मैंने आपको बताया, जैसे आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, बस इसे पुट कर देना। जैसे एक्स आर कॉस थीटा प्लस वाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट हो गया। यू कैन डाउनलोड नोट्स विच लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।